मांगे गुड़िया करो गुड़िया करो गुड़िया करो गुड़िया करो सेकंड पार्ट में हाय हाय सेकंड पार्ट में हाय हाय 50 सेकंड बोशी हाय 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 योग नहीं क्यों आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। डीसी ऑफिस बांडीपुरा में इस वक्त कुछ लोग आए हुए हैं जो 56 आरसीसी बीकन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजियों का मानना है कि ये कई सालों से, कहें तो कई दहाइयों से बीकन के अंदर बहसत मजदूर या फिर ठेकेदार काम कर रहे थे, लेकिन आज 20 सालों के बाद या 25 सालों के बाद इन्हें जबरन वहां से निकाला जा रहा है, ये कहकर कि अभी काम की कोई गुंजाइश नहीं है, आप निकल जाइए। जबकि इनका इल्जाम ये भी है कि कुछ लोगों को हम कहें कि रसूख असर रसूख रखने वाले लोगों को वहां पे नौकरी दी गई है, वहां पे मुलाजमत दी गई है, वहां पे काम दिया गया है, और इन्हें जो 20 या 25 सालों से काम कर रहे थे इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। बहरहाल एक बड़ा सवाल है, क्यों 20 या 25 साल काम करने वाले को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों एक फ्रेशर को वहां पे काम दिया जा रहा है और इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, इनसे बात करना चाहेंगे सीधे। हमें बताइए कि क्यों आप लोगों को निकाला गया है और आप कितने सालों से बीकन के अंदर काम कर रहे हैं। हम तो कम से कम मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कम से कम 30 साल से काम कर रहा हूँ एज पर मिनट। अच्छा, तो अभी इस साल ये पहली बार हुआ है, कहीं ऐसा कोई ओसी नहीं आया, कोई चीफ नहीं आया, कोई कमांडर नहीं आया जिसने के 20 मिनट को बिठाया। हमें कम से कम फायर वेंटर में हर एक मिनट को चार पांच पांच लेबर मिलते थे, इलेक्ट्रिशियन चला देते, बाकी लेबर को चलाते थे। लेकिन इस साल हमारे लिए बहुत जुल्म हो गया कि जब भी हम 15 नवंबर से हमको डिस्चार्ज किया गया है तो बोलता हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, बाकी वो जो है नए उनके कोई चमचे कोई कुछ उनको काम दिया गया है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे लिए क्या जुल्म है, हमारे लिए हमने कौन से पाप किए, हमने कौन से जुल्म के खिलाफ किया है। आपने पूछा नहीं कि इनको कैसे लगाया आपने? तो हमने पूछा, बोला उसका कोई इनमें जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला ये हमारी मर्जी, हम किसको चलाएं, क्या करें, हमारा काम है। तो हम रोज जाते थे, रोज बोलते कल आ जाओ, परसों आ जाओ, नर्सों आ जाओ, लेकिन कोई टच का मस नहीं हो रहा। कितने बंदे आप ऐसे होंगे कि जिनको वहाँ पे रोजगार था और जिन्हें निकाला गया? कम से कम 150 आदमी है, 150 आदमी को निकाल दिया गया है जो कम से कम 20-25 साल से काम कर रहे हैं, लेबर पुलिस में एट। तो लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे। तो अभी डीसी ऑफिस आने का क्या मकसद है? डीसी ऑफिस इसीलिए हम आए थे डीसी साहब के पास में भी कि जनाब हमें इतना टाइम हो गया तो हमारा कुछ मेहरबानी करो, हमारे ओ साहब से बात करो, उसको बोलो इस तरह इनको क्यों निकाला गया। लेकिन उसे भी ओ साहब को फोन किया, ओ साहब बोलता है जब रोड खुलेगा तब हम इनको लगाएंगे। लेकिन ये कौन सा मसाला रोड खुलेगा, जो अभी नए है जो कभी कम जिनको अभी 6 महीने भी नहीं हो गए तो उनको रखा गया, तो उसका वजह क्या है? मतलब वो ना तजुर्बाकार भी है, वो तजुर्बाकार भी है, उनका कोई काम का भी पता नहीं है, कुछ नहीं। हमने रोड बनाए फर्स्ट से, जब से स्टार्ट हो गया रोड गुरियज का फार्मिस्ट का हम लोग ने किया है, तो रोड हमने बनाया है। आज वो लोग आए हैं जिनका कोई पता ही नहीं है रोड कैसा बनाए, क्या बनाए, कितनी कैजुअलिटी होगी, हमारा खून पेशेंट निकला, हमारी मीट अभी पशु में लगा हुआ है, ये सही बात है। तो ड्रिलिंग हमने खुद किया है, रोड हमने बनाया है, लेकिन हमको अभी मतलब किक आउट किया, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने महीने से वो लोग काम कर रहे हैं जिनको फ्रेश लगाया गया? वो नवंबर 15 से शुरू है उनका काम अभी तक। अच्छा, तो आपने अपनी तरफ से कोई बात रखी थी उनके सामने कि आपके लिए क्या किया जाए? ओसी साहब तो हमसे मिलना नहीं चाहता। अच्छा। जब भी गेट पे जाते हैं कभी टूएस साहब को बोलते हैं भाई जब रोड खुलेगा तो आ जाना, ओसी साहब तो मिलना नहीं चाहता किसी। तो अभी डीसी साहब ने क्या बोला आपको? डीसी साहब ने यही बोला, अभी फोन किया उस, तो ओसी साहब ने आगे से ये बोला भाई जब रोड खुलेगी तब मैं लगा दूंगा। तो लगा नहीं, मुझे बताइए आप लोग सारे मजदूर हैं या आप ठेकेदार हैं वहाँ? हम मेट मजदूर भी हैं। मजदूर भी हमारे जितने मजदूर थे ना कम से कम 25-30 वो कम से कम 150 आदमी बनता है, बल्कि किसी तरह का कोई काम नहीं दिया जा रहा। कोई नहीं विद मेट कोई काम नहीं, जिनका जो हमारे लेबर काम कर रहे थे उनका भी नहीं और हमारे भी नहीं है कुछ भी। क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं हमें कम से कम अपना हक चाहिए, हमारा इंसाफ करो कम से कम। अगर हमने खून पिसना बहाया चलना चाहिए, हमने गदा नहीं कि हमने खून पिसने काम किया इस रोड में, हमारे क्यों लॉस हो गया? हमें कम से कम ये हमारे ओसाब को रिक्वेस्ट करो कम से कम यहाँ कम से कम कहीं ओसी आई है, पहले मेट्रो मीटिंग कर रहे थे, हमें मेट्रो डिसाइड करते हैं किसका काम चलाना है, क्या करना है, मेयर जी आप लोग को काम करना है, हमको काम नहीं करेगा ओसी। लेकिन फर्स्ट ओसी है जो हमें मिलने नहीं दे रहा है। अच्छा, गेट के अंदर नहीं जाने दे रहा है, चाहे हम किसी को भी लाएगा, एयर टू वॉशी हमें मिलता है, एयर टू वॉशी बोलता है नहीं हमने ओसी बात किया है, बोलता है रोड खुलेगा 15 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद। लेकिन हमने उनको बोला कि जो अभी काम कर रहे हैं
कि अगर कोई जो नए है मेयर उनके पास किसके पास 10 है, किसके पास 15 है, किसके पास 12 है, अगर उनको फिर एक मिनट बेटा एक मिनट हमको दे दो, हमारे भी हक बनता है, हमारी रोजी रोटी है, हम कहाँ जाएंगे अभी, हमारा कौन सा सवार है। ठीक है, नाजर यहाँ पे जरा सा ये ज्यादती और जुल्म लग रहा है बिकन की तरफ से इन लोगों के साथ किया जा रहा है। अगर ये 20 या 25 सालों से काम कर रहे हैं और अब इन्हें बेरोजगार किया जा रहा है, यकीनन ये एक बड़ा सवाल है। और ओसी 56 आरसीसी जो है उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 150 लोगों का आप रोजगार छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये यकीनन एक बड़ा सवाल है। हालांकि डीसी बानीपुरा ने इन्हें यकीन जरूर दिलाया है, उन्होंने भी बात की है ओसी बीकन से, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये लोग पिछले कई सालों से वहां पे काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्यों इन्हें आज धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है और क्यों फेवरेटिज्म चलाया जा रहा है वहां पर और ना तजुर्बेकार लोगों को वहां पर काम दिया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन शाह शबीर के साथ कश्मीर क्राउन के लिए बांडीपुरा से मैं इनामुल हक। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनामन उधार जैसे सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद से बेहतर खाद पन्न बागन मे कम से कम सात वरी इस्तेमाल करा मे वस करान पलाल गगन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान इस्तेमाल रूट राट तिश करान खत्म चूंटिस साइज तनान बराबर बड़े बागन बापत वुहन किलो पैक सब्जी डोरन वोश चमन तो पोंग बारन लागान शू पांचन किलो पैक चलान हो सान कुलन आव हेस रंग खुद जबरदस्त चोर तक पांच तक चूंट रुत जरा यूनिवर्सिटी दिवान गारंटी मेवस तो कोंगस असल क्वालिटी अगर ये खाद भी पन्न बागस मज करू इस्तेमाल सुपर हाईटेक एग्रो खाद ये भी वारिया फोज कुनू शत तो अरशीत पर पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक के वन नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर जिरातस तो आमदनी सप्तान हो जाए सुपर हाईटेक खाद यस छे सटा बेहतरीन नतीजा आए मी अखमाल तो फूल नहरन मेमज काम लगन असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान मेवस तो वारन वाति इमदाद अमकुई ग्रान्यूल तो थयो याद नॉर्मल हाई तो अल्ट्रा अन हलस नेरान अम मन सब्जी मह सू कर सू तुल तूत फायद कि वन कथ आ खाद त्रायन तम अक लट कि तम वन पान सारी अमिक फायदे कूतिया हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद मजीद तफसीलात खतर करू रबत बारदाना सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नजदीक वानी मस्जिद पुलवामा कश्मीर सोन ईमेल आईडी info@superhightechagrotonic.com तो सोन कॉन्टैक्ट नंबर 9906961600 9419026233 01933240193।